जाना है आपको, हम आपसे भी पूछेंगे कि दिल कर जाए तो बताना, क्योंकि भले कुछ ना मिले पर यहाँ एक है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप सोए रात्रि में भी तो आपको भान होगा, आपके पास में से मेरा कुबेर भंडारी निकल कर जा रहा है, वो एक आनंद के साथ निकल कर पहुंच रहा है। आपको भान होगा कि रात्रि को कोई मुझे जगा कर कह रहा है, ठीक तो हो। आपको भान होगा कि कोई रात्रि को मेरे पास में करीब में से निकल कर जा रहा है, आप ठीक हो। भूख लगी है, आपको लगेगा कि मुझे भूख लगी है, इतनी देर में कोई आएगा बिस्कुट का पैकेट पकड़ा कर चले जाएगा। प्यास लग रही होगी, आएगा कोई पानी की बोतल खसका के चले जाएगा। आपको यह महसूस होगा कि मेरा बाबा हर कंकर में समाया हुआ है, इसलिए इसको कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि का पवित्र। जो आया उसको मिल गया, जो तरसता रहा कहता रहा पुकारता रहा, जो लगे रहे कैसे जाएं, भीड़ बहुत है, पैदल थोड़ा चलना पड़ेगा। अरे यहाँ तक शास्त्र कहता है जो शिव महापुराण की पंडाल तक चलकर पैदल जितनी दूर पुराण है उतनी दूर तक जितनी पैदल चल लेता है उसको वैतरणी में उतना पैदल नहीं चलना पड़ता, नरक में उतना पैदल नहीं चलना पड़ता। आप शिव के धाम तक है, कितना सुंदर संवाद है। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण के महत्तम में वर्णन आता है, देवराज की कथा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता, ब्राह्मण कर्म नहीं करा उसने, ना वेद पढ़े ना शास्त्र पढ़े ना भजन करा ना कीर्तन करा। जरूरी नहीं कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो आपको वेद पढ़ना जरूरी रहेगा, ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो शास्त्र पढ़ना जरूरी रहेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर आप वेद और शास्त्र नहीं भी पढ़े हो ना, कुछ चीजें ब्राह्मण की है, एक शिखा, यज्ञोपवीत, मस्तक पर तिलक और मुख में भगवान का नाम आता है तो आप ब्राह्मण हो। जरूरी नहीं कि आप वेद पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, शास्त्र पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, आप बहुत उच्च विद्या ध्यान करोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे। ब्राह्मण की मूलता है उसकी शिखा, ब्राह्मण की मूलता है उसका तिलक, ब्राह्मण की मूलता है उसका यज्ञ पवित्र, कंधे पर जो यज्ञ पवित्र पड़ा है वो ब्राह्मण की मूलता है। पहले के समय का गरीब से गरीब ब्राह्मण जिसके पास भोजन नहीं होता था वो भी अपने कंधे पर यज्ञ पवित्र धारण करता था, ये ब्राह्मण की मूलता है। आपके मुख पर भगवान का नाम, आपकी जिभ पर भगवान शंकर का नाम, आपकी जिभ्या पर परमात्मा का नाम, ये ब्राह्मण की मूलता है। जरूरी नहीं कि वेद पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा, शास्त्र पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा, आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है आप ब्राह्मण वाक्य है आपके बहुत। कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, हमारा काम रक्षा करने का, कोई कहता है हम वैश्य हैं, हमारा काम धन अर्जित करने का, धन अर्जित करने का, कोई कहता है हम शूद्र हैं, हमारा काम सेवा करने का। ना, शिव महापुराण में ऐसे ऐसे संवाद आते हैं कि कड़प नाम का डाकू भी, कड़प नाम का डाकू जो शंकर की भक्ति को थोड़ी देर दी, शंकर की कथा को सुनता है और उसके मन में शिव के प्रति प्रेम जाग जाता है, तो उसने मन में सोच लिया कि मैं भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। कड़प नाम का डाकू एक जल चढ़ाने के लिए आतुर हो जाता है, तो सोचा कि मेरे पास तो जल चढ़ाने के लिए लोटा ही नहीं, अब जल चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे। मन मेरा मन तेरे आंखें दिया राती, मन मेरा मन तेरे आंखें दिया राती, होठों की है कहानियां रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम परमात्मा को पुकारने का प्रयास। आए एक पत्र, मैं प्रियंका मनीष पाठक
नरसिंहपुर से आई हैं, प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आई हैं, कहीं बहुत हो हाथ लाई है, अगर कहीं बैठी हो जिस पंडाल में हो, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर पीछे मंदिर प्रांगण में कहीं बैठी हो तो हाथ लाई है। मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर की रहने वाली हूँ। पिछले वर्ष 22/2/2023 में जो रुद्राक्ष वितरण कथा हुई थी उसमें हम लोग 18 तारीख को रिजर्वेशन था, लेकिन लोगों के कहने पर हमको लगा कि भीड़ ज्यादा है तो हम रिजर्वेशन कैंसिल करा दिए और हम किराए की गाड़ी कर यहाँ आए। किराए की गाड़ी कर आए, इतना ट्रैफिक जाम था कि किराए की गाड़ी वाला हम पर चिल्ला चोट करने लगा और कहने लगा हम आगे नहीं जा सकते, हम तुम्हें लेकर नहीं जा सकते और तुम्हारा जितने दिन खड़ी है गाड़ी उतना चार्ज लगेगा। हम लोग साधारण परिवार से गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं था और मोहल्ले के लोगों ने थोड़ा सा धन इकट्ठा कर किराए की गाड़ी खरीदी और नरसिंहपुर से हम सीहोर आ गए। गाड़ी में बैठे रहे हम कथा स्थल तक भी नहीं पहुंचे। हमारा गाड़ी वाला इतना चिल्ला चोट करने लगा कि दिल टूट गया। हम गाड़ी में से नीचे उतरे, रोड पर हमने कुबेर भंडारी की ओर मुख करा और कुबेरेश्वर महादेव से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर थे और हमने बाबा को यहाँ से प्रणाम कर कहा बाबा ये गाड़ी वाला बहुत चिल्ला रहा है, हमको वापिस जाना होगा नरसिंहपुर, आप आपको प्रणाम करती हूँ, तेरी भूमि पर बुलाना ना मेरे को, तब खुद की गाड़ी से बुलाना, मेरी सामर्थ्यता नहीं है एक एक साइकिल भी खरीदने की, मेरे पास धन नहीं कि मैं साइकिल खरीदूं और ना मेरे परिवार में इतना धन है, पर फोर व्हीलर भी दिलाएगा तो तू दिलाएगा, आज लौट कर जा रही हूँ, अगली बार जब रुद्राक्ष में आऊंगी तो खुद की गाड़ी से आना चाहिए, तो मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है, मैं तुझे मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है। गुरुदेव मैं यहाँ से गई, आंख में आंसू भर कर वापस घर पहुंच गई, दुनिया के लोगों ने बहुत डराया मत जाओ वहां लोग ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर मेरे बाबा को मैं प्रणाम कर गई थी बाबा और 6 महीने भी नहीं हुए और मेरे बाबा ने मुझे गाड़ी दिला दी, आज मैं अपनी फोर व्हीलर गाड़ी से ड्राइवर के साथ लेकर कथा सुनने के लिए, ये शिव है शंभु है। एक बार कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कथा में रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचता है वो क्या देखता है उसको बाद में मालूम पड़ता है, क्या महसूस करता है उसको बाद में मालूम पड़ेगा कि उसको सुख क्या है आनंद क्या है। इस रुद्राक्ष उत्सव का एक नियम है, यहाँ जितने ऑफिसर जितने पुलिस कर्मी जितने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर सेवा भी देते हैं ना 7 दिन, इनके भी प्रमोशन हो जाते हैं, अगले साल दूसरे आ जाते हैं, प्रमोशन होकर दूसरे पद पर उच्च पद पर पहुंच जाते हैं, यहाँ का नियम ही है कुबेर भंडारी, इस भूमि की नियमता एक साधारण सा साधारण व्यक्ति भी आया है सेवा दी है उसको फल उसका मिला है, बिल्कुल निष्कपट भाव से करो दिल से करो आनंद से करो भाव से। करो लोग कहते हैं गुरु जी आप हमसे मिले ही नहीं है, हम क्या मिले हैं, मिलना तो उससे चाहिए जिसके घर आए वो मिलेगा ना सब कुछ दे देगा, मिलो उससे मिलोगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है बहुत कुछ। देवराज शिव को पुकारा ना ना उसकी उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई कर्म नहीं करा और एक कथा तो देवराज की आती है शिव महापुराण की, देवराज ब्राह्मण होकर कर्म अच्छा नहीं कर पाया और एक कथा आती है एक कथा कड़क की आ रही कड़क डाकू है कड़क डाकू है जिसने कभी भगवान का भजन नहीं करा, केवल मांस का भक्षण करना गलत काम करना लोगों को मारना लोगों को अपशब्द करना कड़क का काम ही यही था बहुत।
भंडारी भंडारी एक क्षण का कड़प ने सुन लिया था कि शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने का फल मिला है। और हमने पहले भी कथा में कहा, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। अपनी आंचल की छैया ऐसा कर देता है, धीरे धीरे आएगा हल्की हल्की हवा और धीरे धीरे आकर छांव करेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, तो मैं ऐसा महसूस कराएगा कि मैं हूं, कहीं दूर नहीं, तेरे नजदीक में तेरे पास हूं। तो मुझे महसूस कर, मैं दूर नहीं तेरे पास में घूम रहा हूं। दूर नहीं, तेरे करीब में, तेरे नजदीक, बहुत पास। कड़प लग गया, जल चढ़ाना है। दुनिया के लोग अगर एक लोटे जल का महत्व जान जाते हैं ना, तो कहीं ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ते। एक लोटे जल को पहचान जाते हैं तो ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ते, अंधविश्वास में नहीं पड़ते। व्यक्ति अंधविश्वास में कब पड़ता है? जब उस शिव के एक लोटे जल के महत्व को नहीं जानता। जिसने एक लोटे जल के महत्व को जान लिया, वो अंधविश्वास में कभी नहीं पड़ेगा। उसको मालूम है सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। बोल बम का नारा है बाबा है। जो एक लोटे जल के महत्व को जान गया, फिर वो अंधविश्वास में नहीं पड़ेगा, वो ब्रह्म में नहीं पड़ेगा, वो इधर उधर भटकेगा नहीं। उसको मालूम है दुख आया, शिव के मंदिर गया, एक एक पत्र है। मेरा नाम भीखू भाई है, मेरे पति का नाम मांगीलाल है, भीखू भाई मांगीलाल। कहीं बैठे हो तो हाथीला सर, हाथीला तो एक बार, कहीं बैठे हो भीखू भाई मांगीलाल। अगर मेरा नाम भीखू भाई है, मेरे पति का नाम मांगीलाल, किसी भंडार में बैठे हो तो हाथीला सर दिख रहे। अच्छा पीछे है ऐसा हिला तो हाथ, हाँ ठीक है दिख रहे, दिख रहे। मेरा नाम भीखू भाई है, मेरे पति का नाम मांगीलाल है, मेरी मेरी लड़की का नाम अक्कू भाई है। हम इंदौर के रहने वाले हैं। मेरी लड़की के सिर में कठान हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो कठान इतनी बड़ी थी, उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। हमने अरविंदो हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवाया और डॉक्टर ने कहा इस कठान का ऑपरेशन करना जरूरी है और कठान निकलेगी। ये बच्ची जो सिर में गठान है, सिर खुलने के बाद ये बच्ची उठ पाएगी ना उठ पाएगी, कितने दिन कोमा में रहेगी, कितने दिन वेंटिलेटर पर रहेगी, ये कोई भरोसा नहीं। अब करें तो करें क्या? तब हमारा इतना भरोसा आपके कथा पर नहीं था, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं ना, वहां पर लोग आप कुछ भी कहते रहते हैं, हर कुछ बोलते रहते हैं, तो हमारा भी भरोसा पर नहीं था। पर झाड़ू लगाने वाली एक बाई ने कह दिया, मैं एक बार बाबा के धाम गई थी कुबरेश्वर धाम, वहां से जो मांगा है वो मिला, तो तेरी लड़की को वहां का रुद्रा चलाकर उसका पानी देना चाहता। हमने अरविंदो हॉस्पिटल में चेकअप करवाया और गठान का साइज निकलवाया, जिसकी रिपोर्ट में आपको पीछे अस्पताल की पूरी रिपोर्ट लगा रहे, हॉस्पिटल की पूरी रिपोर्ट है उसने यहाँ लगाई, जिसमें मेरी लड़की के सिर में गठान बड़ी बड़ी और उसका ऑपरेशन करते हैं तो वो कोमा में चली जाएगी या वेंटिलेटर पर रहेगी और कितने समय पड़ी रहे इसका कोई ठिकाना नहीं। हम उसी समय पर वो झाड़ू लगाने वाली माँ के कहने पर हम यहाँ आ गए और हमने यहाँ आकर रुद्राक्ष लिया, उसको तांबे के कलश में जलाया, पानी शिवजी को चढ़ाया, बाबा से कह दिया, बाबा तबीयत को ठीक करना आपकी जवाबदारी है, हम आप पर विश्वास नहीं करते थे, पर वो सियोर वाला प्रदीप मिश्रा बोलता है टीवी पर कि बाबा सब सुनता, तब हम तुमसे कहने आए ठीक कर। हमने उसको पानी पिलाना चालू करा, 13 महीने तक पानी पिलाया,
डेढ़ महीने के बाद हमने वापिस अरविंदो हॉस्पिटल में जांच कराई, जांच में मालूम पड़ा कि मेरी लड़की के सिर की गठन गल चुकी थी। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। ये शीर्षक वो घड़ी है, शंभू है, त्रिकाल दर्शन, जिसकी रिपोर्ट मैंने नीचे लगाई है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं बाबा को नमन करने बैठो बहन। श्री शिवाय नमः। शिव तत्व की प्राप्ति महाराज, मेरा बाबा भोला जिसके